हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फोर्थ वीक की। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। किंग ऑफ कप्स, काफी अच्छा कार्ड है कैप्रिकॉर्न। लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस। यह दो कार्ड्स है हमारे पास। लेट्स चेक सम मोर। द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ वांड्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप मैरिड हैं और किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो कि अनमैरिड है, वैसे नेसेसरीली मैरिड की ही बात नहीं कर रही हूं मैं, अगर आप किसी ट्राइंगल में है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यह किंग ऑफ कप्स है तो ये मैरिड लाइफ दिखा रहा है मुझे, तो यहां पे द हैंगमैन है। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगते हैं इस वक्त, आप उसको बहुत अच्छे से डिफेंड कर लेंगे, विजडम के साथ, चालाकी के साथ आप सारे सवाल का जवाब दे देंगे और अपने आप को डिफेंड कर लेंगे। इन केस आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो कि अनमैरिड है या मैरिड है, ठीक है, और ये ट्राइंगल है। और अगर ये सिंपल मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो भी अगर आपके पार्टनर आप पे कुछ सवाल दागते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ डाउट्स रेज करते हैं या किसी तरीके का सस्पेशन, तो यहां पे मुझे बहुत वाइज दिखाई दे रहा है विद द कार्ड ऑफ द हैंगमैन, और आप सारे सवालों के जवाब बहुत स्मार्टली देंगे, हर चीज का आप बोल्डली सामना करेंगे इस फोर्थ वीक में। ऐसी ही चारों कुछ मैसेजेस दे रहा है। लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। द सन, ओके, हैप्पीनेस, ठीक है। सो यहां पे हैप्पीनेस है, आप पूरी तरह से मुझे खुश दिख रहे हैं। ये लव ट्रायंगल हो सकता है लेकिन ये आपको स्ट्रेस नहीं कर रहा, आप खुश हैं, आप अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहे हैं दोनों साइड, आपने एक बैलेंस बना लिया है, आप हैप्पी हैं। आप अगर फैमिली में है तो उनके साथ भी हैप्पी हैं, रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम आई भी, कोई आपको क्वेश्चन भी करता है तो आप बहुत बोल्डली उस चीज को फेस करेंगे, एंड अगेन आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। यहाँ पे एक हार्मनी दिख रही है मुझे, और अगर मैं सिंपल रिलेशनशिप की बात करूं तो उसमें भी मुझे हैप्पीनेस दिखाई दे रही है इस वक्त। किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट होता तो आप बहुत चालाकी से उसमें से बाहर आ जाएंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कैप्रिकॉर्न, विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स आप किसी चीज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल बेचैन हैं। आप बहुत ज्यादा नैगिंग हो सकते हैं इस वक्त अपने पार्टनर के लिए, या आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत नैगिंग हो सकते हैं किसी काम को, करो करो करो, ये कमिटमेंट कब करोगे, कब करोगे या करोगी, दिस काइंड ऑफ थिंग कैन गो ऑन। इस तरह की चीज आपके लाइफ में हो सकती है,
और ये नागिंग जो है आपके पार्टनर को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना, या अगर वो कर रहे हैं तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ये दोनों तरफ से रेजोनेट कर सकती है। यहाँ सिर्फ एक पर्सन के कार्ड है, दो पार्टनर्स के कार्ड नहीं है, तो रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा ये जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली सबसे मैच नहीं करेगी। और प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एज यूजुअल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स, सो यहाँ पे आपको अवेयर रहना होगा दूसरों के मैनिपुलेटिव बातों से, क्योंकि आपके अंदर से कोई सीक्रेट निकालना चाहेगा, डायरेक्टली आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन किसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे बात करके आपके अंदर की बात जानना चाहेगा। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है स्पेशली, तो ये जानना चाहेगा कि क्या चल रहा है ऑन द अदर साइड, या अदर साइड कुछ है या नहीं। इसके अलावा आप अगर नॉर्मल रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर आपसे कुछ ऐसी बातें जानना चाहेंगे जो ऑफन आप उनसे शेयर नहीं करते, वर्क के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, या किसी और चीज के बारे में। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है कैप्रिकॉन, आपको अपनी तबीयत को लेके खास अवेयर रहना है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स से इलनेस या सिकनेस आपको हो सकती है इस वीक में, तो अपने तबीयत का ख्याल रखें। और टू ऑफ वॉन्ड्स से एक चीज मुझे और नजर आ रही है कि ये जो आपको स्टेबिलिटी दिख रही है इस वक्त, ठीक है, अभी आप हर चीज का जवाब आराम से दे लेंगे, हर चीज को आप चालाकी से निपट लेंगे, और चीजें टेम्पोरिली पिक्चर से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि द सन है तो मुझे हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, ज्यादा ट्रबल्स आपके लिए मुझे नहीं शो हो रहे। इनफैक्ट ट्रबल्स मुझे शो हो ही नहीं रहे सिवाय इसके नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप रेस्टलेस हो रहे हैं किसी चीज को एंड तक पहुंचाने के लिए, आप बार 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 सवाल करेंगे, और आपके पार्टनर थोड़े से इर्क हो सकते हैं, या आपके पार्टनर आपसे बार 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 सवाल करेंगे कुछ जानने के लिए, आपको वो इर्क कर सकते हैं। बट ये जो भी आप जवाब दे रहे हैं ये सब टेम्पररी होंगे, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ कप्स है, एक इल्यूजन है, आपको एक वहम रहेगा कि आप इस टाइम के लिए यहां से निकल गए या आप सेफ हो गए, स्टेबल जमीन पे है। नहीं, इससे आपके पार्टनर का डाउट खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने उनको जवाब दिया, वो सेटिस्फाइड है, लेकिन इससे वो आपके ऊपर स्पाई करना नहीं छोड़ेंगे, आपके बारे में वो जो डिटेल्स है वो जुटाते रहेंगे, और ये टेम्प्रोरी है। पॉसिबली इस वीक के बाद हो सकता है कि वो नेक्स्ट वीक में फिर आपसे वो सवाल वापस पूछे, आपने तो ऐसा कहा था लेकिन चीजें ऐसी हुई, या कुछ भी ऐसा वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ कप्स है कैप्रिकॉन। ओके, सो ओवरऑल आपकी रीडिंग में इस वीक में मुझे यही दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा और नैगिंग नहीं होना है। लेट्स चेक कि आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या है क्या, प्लीज। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन फॉर द फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन। ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ओके, ब्रिजिट आपको कह रही है कि आप अपने होलनेस की तरफ वापस जाए। होलनेस की तरफ वापस जाने का मतलब है कि जैसे आप पहले कॉन्फिडेंट फील किया करते थे, जैसे आपको पहले खुद पे भरोसा रहता था, वैसे ही खुद पे भरोसा रखें, ठीक है। आप इन सारी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ओके, अगर आपसे कोई बार बार क्वेश्चन करता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, आराम से चीजों को हैंडल कीजिए। आप कैप्रिकॉन है, ग्राउंड साइन है, ग्राउंडेड रहते हैं, और आप काल्म हैं, ठीक है। सो आप अपनी बातों को लोगों को समझा सकते हैं। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपके अंदर पावर है, ये चीज आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कैप्रिकॉन, ठीक है ना। वैसे भी आप हेस्टी डिसीजन नहीं लेते हैं, आप सोच समझ के ही काम करते हैं, आपके अंदर पावर है, आप किसी भी नेगेटिव चीज को अपने हक में मोड़ लेते हैं। सो ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है, आपको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि आप कौन हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और नैग होने की भी जरूरत नहीं है, और नैग करने की भी जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। सो ये थी आपकी फोर्थ वीक की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।